वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ हर्बल पाउडर्स परचेज किए थे जिनको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो आज उन्हीं के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने परचेज किया था ये है मूंग ग्राम पाउडर, मतलब मूंग की दाल का पाउडर, और ये है हिबिस्कस पाउडर, मतलब गुड़हल के फूल का पाउडर। क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ इसलिए सारी चीज़ें कन्नड़ा में मेंशन है। और फिर ये है एलोवेरा पाउडर, तो एलोवेरा जेल जूस के बारे में तो आपने सुना होगा, तो ये पाउडर है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और फिर है ये रोज़ फ्लावर पाउडर, तो ये रोज़ पेटल पाउडर जो होता है वही है। तो ये सारे पाउडर्स को मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं जिसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ वो है ये ग्रीन ग्राम पाउडर, मतलब मूंग की दाल का पाउडर। आज मैं इसके स्किन बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, इसके बहुत सारे स्किन हेल्थ और हेयर बेनिफिट्स हैं। तो मूंग की दाल तो हर किचन में पाई जाती है, हर घर में यूज़ की जाती है। अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें होते हैं भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स। तो अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं लेते हैं, दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो मूंग की दाल से आप अपने प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर अपने अपने डिनर में, अपने लंच में शामिल ज़रूर कीजिए। मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जिससे कि स्किन रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जैसे कि स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, सन टैन, इन सारी चीज़ों को दूर करता है। ये जो पाउडर है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको बड़े ही आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आप मूंग की दाल लीजिए, जो साबुत मूंग की दाल होती है उसको लीजिए और उनको पानी में भिगो के एक रात तक रख दीजिए। दूसरे दिन आप उसको 5 से 6 घंटे तक सुखाइए, जब तक ये कम्प्लीट ड्राई नहीं होती है तब तक इनको धूप में रखिए, और इसके बाद आप इसको पीस लीजिए, तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। ये पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इस पाउडर को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। मूंग दाल पाउडर एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन का काम करता है, जिससे कि इधर मेंशन है कि आप इसको नहाते टाइम यूज़ कीजिए। तो कैसे यूज़ करना है, आप इसको पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, एक लेप तैयार कर लें और अपने पूरी बॉडी पे आप इसको लगा लीजिए। हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए, जिससे कि जो आपके डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाए। इस लेप को आप अपने फेस पर भी यूज़ कीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए, बहुत अच्छे से आपके फेस को एक्सफोलिएट करेगा, सारी जो गंदगी है उसको बाहर निकालेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। ये प्रोसेस आप एवरीडे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ट्राई कीजिए, सप्ताह में 2 से 3 बार ज़रूर करें। दूसरा जो तरीका है वो पिगमेंटेशन को दूर करेगा। तो पिगमेंटेशन के लिए इसको कैसे यूज़ करें, अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सन टैन है, सन बर्न हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए आप ये जो मूंग दाल का पाउडर है इसमें दही मिलाइए और नींबू मिलाइए। दही और नींबू बहुत अच्छे विटामिन सी के सोर्स हैं, जिससे कि ये दाग धब्बों को दूर करते हैं, और जो मूंग की दाल का पाउडर है उसके साथ मिलके तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लोग होते हैं जिनको लिप्स के आसपास बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, फॉरहेड में पिगमेंटेशन होता है, उन लोगों के लिए ये पैक बहुत अच्छा काम करता है। इस पैक को आप 15 से 20 मिनट तक लगा के रखिए और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इस पैक को आप वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करें। मूंग दाल में होती हैं डीप क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़, जिससे कि ये एक्ने से भी फाइट करता है। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ करने के लिए आप बेसन लीजिए, मतलब ग्राम फ्लोर लीजिए, उसमें आप हल्दी मिलाइए और साथ ही साथ ये मूंग दाल का पाउडर, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है उस एरिया पे आप इसको अप्लाई कर लें। आधा घंटे तक आप इसको अपने फेस पे लगे रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लगाते ही बस आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब भी आप कोई नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार में कुछ भी नहीं होगा।
पर जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे जो पिंपल आने भी बंद हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी बेजान डल बिल्कुल भी फ्रेश नहीं दिखती, ऐसे लोग जो मूंग की दाल का पाउडर है उसमें मिल्क कच्चा दूध मिला के उसको अपने फेस पे लगाएं, कुछ देर तक लगे रहने दीजिए, मतलब जब तक वो थोड़ा सा ड्राई ना होने लगे तब तक लगे रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। ऐसा करने से उनके चेहरे पे एक नई जान आ जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान था इस पाउडर को यूज़ करना, इसको ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा काम करेगा कि आप इसको फिर रेगुलर यूज़ करने लगेंगे। और आगे के वीडियोस में मैं ये जो सारे पाउडर्स हैं इनके भी बेनिफिट्स ज़रूर बताऊंगी, ऑनलाइन लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।